कार्तिक शुक्ल पक्ष के दौरान आठवें दिन ज्वालामुखी के अष्टभुजा मंदिर के समीप भगवान चंद्र मंदिर में गोपाष्टमी का त्योहार मनाया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर चंद्र मंदिर गौशाला में गौ माता का विशेष पूजन किया गया। मंदिर के गुरु महाराज ने गौ माताओं का विशेष पूजन अर्चन किया और गौ महत्व के बारे में शिष्यों को अवगत करवाया। गौरतलब है कि गोपाष्टमी गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित पर्व है। इस दिन लोग गाय के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दर्शाने के लिए विशेष पूजन करते हैं। मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय का पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को खुशहाल जीवन, अच्छा भाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गुरु महाराज के मुताबिक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को परंपरागत ढंग से गोपाष्टमी मनाने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इस दिन गाय, गुरु और गोविंद की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन की वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी पर्व गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोचर लीला इसी दिन से आरंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब माता से गौ सेवा करने की इच्छा व्यक्त की तो माता यशोदा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। बालहट के कारण कन्हैया ने शौंडिल्य ऋषि से इसका मुहूर्त निकलवाया और ये मुहूर्त था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तभी से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। हिंदू परिवारों में हर रोज गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है, परंतु गोपाष्टमी पर गौ पूजन का विशेष महत्व होता है। गुरु महाराज ने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया। कांटे लगेंगे, काकड़े लगेंगे, भगवान ने कहा नहीं, मेरे को जूता पहनाना हो तो पहले मेरी गाय को जूता पहनाओ, तब मैं पहनूंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा गाय जूता कैसे पहनेगी? तो गोपाल ने कहा, फिर जूती मैं भी नहीं पहनूंगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण 11 वर्ष और कुछ महीने तक वृंदावन में उन्होंने बाल लीला किया है। उन्होंने अपने पांव में जूती नहीं पहनी जब तक वो वृंदावन में रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने गौ सेवा, गौ लीला किया है, अनंत लीला किया है। भगवान जो भी कह दे, जो भी करें, वो ही उनकी उनका मुहूर्त होता है। उनको मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का मुहूर्त, आज का जो समय जो है, वे गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी में जो भी गौ की सेवा तन मन धन से करता है, उसकी हर मनोकामना, उसकी भावना और हर प्रकार से सुख और शांति उस सबको मिलती ही है। तो इस प्रकार से ये जो कोरोना जो रोग बीमारी जो पूरे विश्व में आई हुई है, तो हम लोग महात्मा लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमात्मा, ये विश्व बने धर्मात्मा और ये सभी है मेरी आत्मा। इस प्रकार से हे प्रभु प्रार्थना करते हैं भक्त, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो पूरे विश्व में शांति हो, शांति स्थापना हो, दुख दूर हो, कोरोना इत्यादि का कोई भी कष्ट प्रजा को ना हो। तो महात्मा कैसे अरदास करते हैं, जब हम बोलते हैं कि राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे, अड़े सो झड़े, शरण पड़े सो तरे, गौ माता की जय।